षड्यंत्र नहीं वास्तविकता है। अभी तक ये जितने भी लोगों की हत्या इन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगा के की है, आप देख लो सबको इन्होंने एक ही बहाने से मारा है। ये कहते हैं कि उन्होंने मोहम्मद साहब का अपमान कर दिया। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, जब जैसे मोहम्मद कहीं बम फाड़ता है और उसमें निर्दोष मानव मरता है, तो जब इनको लगता नहीं कि मोहम्मद साहब बदनाम हुए हैं? या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब ये हवाई जहाज़ से मोहम्मद अट्टा टक्कर मारता है, 3000 लोग उसमें अमेरिका में मर जाते हैं, क्या तब नहीं लगता इनको कि मोहम्मद साहब की बदनामी होती है? क्या कल की बात है, मालदीव के एक पर्यावरण मिनिस्टर थे, उसके ऊपर चाकू से कुरान की आयतें बोल के हमला किया गया, तब इनको नहीं लगता है कि कट्टरता है? या नूपुर कन्हैया लाल का गला काटते हुए इनको नहीं लगता मोहम्मद साहब का नाम बदनाम होगा? असली बात क्या है कि ये एक इनकी सोची समझी साजिश है, लोगों को डराओ। आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा, जैसे हम हैं हिंदू, हमसे कोई शास्त्र पे बात करेगा, कोई भगवान विष्णु पे करेगा, सब अपने तर्क रख सकते हैं, सबको आज़ादी है। क्यों? हम उदारवादी हैं, हम चर्चा में विश्वास रखते हैं, हम विरोधी तर्क को हत्या पर विश्वास नहीं रखते। हमारे यहाँ आस्तिक भी रहते हैं और नास्तिक भी हैं, एक हमारे घर में होगा एक नास्तिक एक आस्तिक है, तो उसकी कोई हत्या तो नहीं करता। लेकिन जो चीज़ ज़बरदस्ती चलवाई गई है, मनवाई गई है, और जिसको दुनिया में तलवार के जोर पर बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, बम बंदूक गोली बारूद पर चलाने का प्रयास है, वो विचारधारा तलवार के जोर पर ही चली है। और उसका एक मूल है कि जो भी आपसे विरोधी तर्क करे उसकी हत्या आप कर दो। और हत्या भी कैसे करनी है, उनकी किताब के अनुसार उनको ये हक है कि जो उनकी विरोधी तर्क देगा उसको हत्या करने का इनको वो अलाउ करती है। अब जैसे अब भारत की कोर्ट है, अब रोज़ रोड पे नारे लगते हैं सर तन से जुदा सर तन से, अभी क्या कोर्ट, हमारी कोर्ट क्या कानों में गांधी जी के बंदर बन के बैठी हुई है? अब सुओ मोटो नहीं लेंगे? हर मामले पे सुओ मोटो लेने वाली भारत की कोर्ट, अब इस मामले पे सुओ मोटो क्यों नहीं लेना चाहती? जब कश्मीर में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, उनके लिए मतलब रिव्यू पिटीशन के लिए लोग गए, तो उन्होंने बोला बहुत पुराना मामला हो गया, अब हम इसे उठा नहीं सकते। अच्छा ठीक है, और मामलों पे आप सुओ मोटो ले लेते हैं। जिन लोगों ने यूपी में सीए के नाम पे दंगे भड़काए, बसें जलाई, उसमें लोगों की हत्याएं हुई, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, उन लोगों की तस्वीरें जब गवर्नमेंट लगाती है चौराहे पे कि भाई ये लोग थे ऐसा करने वाले, तब इनको नहीं लगता है, उसका तो ये सुओ मोटो लेते हैं। लेकिन रोज़ भारत की सड़कों पर लाखों की भीड़ निकट के रोज सर तन से जुदा कर रही है, जब ये कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेती। अच्छा अगर मैं सर तन से जुदा नारे की बात करूँ, ये धार्मिक नारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सीधा सीधा किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, और अगर जान से मारने की धमकी दी जाती है तो हमारे यहाँ जो धारा 506 है वो कहती है कि 7 साल की सजा इसमें हो सकती है, लेकिन खुलेआम धमकी दी जा रही है, गले काटे जा रहे हैं, होता कुछ नहीं। भाई आप ये बात देखो, जब तक गवर्नमेंट अपनी रिट नहीं दिखाएगी, अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी, अपने कानून का डंडा नहीं दिखाएगी, ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। समाज अपने लेवल पर प्रतिकार करता है, समाज उसका विरोध भी करता है, रोकता है, लेकिन जब तक आप गलत करने वाले को और दूसरे को उसकी हत्या की उसका सर काटने की धमकी देने वालों को आप बांध के सलाखों के पीछे नहीं घेरेंगे, उन्हें कानून के डंडे का डर उनकी आत्मा तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये बातें भाई रोज़ चलती रहनी है, ये किसी से डरते नहीं। अभी आपने देखा होगा, मैंने कल के अखबार में पढ़ा कि एक बंदे को इन्होंने तुर्की में ट्रेनिंग दी, तुर्की से उसको रशिया भेजा, और रशिया से वो भारत आने की तैयारी कर रहा था, किस लिए? कि नूपुर शर्मा की उसको हत्या करनी है। अच्छा इस हिसाब से तो हिंदुओं को तौकीर रजा की भी करनी चाहिए, जो रोज़ हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। सीधा सी बात यह है, आप इसका मूल समझो, भारत है हमारा देश, यहाँ पे कोई भी झगड़ा फसाद कुछ दंगा बनेगा नुकसान हमारा है। कश्मीर में किसी भाई के खरोंच लगती है और हमें दुख होता है, इसका मतलब हम भारतीय हैं, हम मानते हैं हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र में और उम्मा में ये बेसिक फ़र्क है, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, जो ये विचारधारा है ये मानते हैं उम्मा, ठीक है, उम्मा का मतलब है ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, लोगों की संख्या जहाँ जितनी है वो इनका है, और हम क्या कहते हैं ये हमारा राष्ट्र है, हमारा इसके अलावा कुछ है नहीं। यहाँ एक भाई को भी खरोंच लगेगी हमारे दिल पे लगेगा, हमारा एक भी नुकसान होगा, हमारे आत्मा दुखेगी, इनकी नहीं दुखती है, क्योंकि ये इसे अपना राष्ट्र के रूप में मानते नहीं हैं। अच्छा ये जो नारा है इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या दिखाई दे रहा है? देखो परमानेंट सोल्यूशन कानून हो सकता, हम रहते सभ्य सोसाइटी में, संविधान के आधार पर चलने वाला हमारा देश है, ठीक है, अगर हम भी इनके जैसे हो जाए तो हम में इनमें कोई फ़र्क नहीं। मैं तो गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि कितना विश्वास आप जीतना चाहते हैं और उस विश्वास को जीतने में कितने लोगों की आप बलि देना चाहते हैं। सेम क्राइम में एक आदमी को तो आप खुला छोड़ रहे हैं, और सेम क्राइम में एक के ऊपर आप भारत के अलग अलग राज्यों में FIR कराते हैं और उसकी बात नहीं सुनते हैं।
मोहम्मद वो एक इलियासी करके एक इनका है मौलाना, उसने मैंने खुद सुना था उस दिन टीवी डिबेट में, उसने बहुत ही नीच और अभद्र टिप्पणी महादेव पे की, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। सेम बात है ना, किसी ने मोहम्मद साहब का गलत बात है, महादेव पे कहने वाले पे गलत बात क्यों नहीं, उस पर आप टिप्पणी क्यों नहीं कर पा रहे? भाई पॉलिटिकल लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आपकी या तो इसे कायरता कह लो या अति विश्वास जीतने की प्रवृत्ति इनको बढ़ावा दे रही है। और जब से इन्होंने कन्हैया हो, किशन भरवाड़ हो, एक वो जो कर्नाटका में थे वो हो, ऐसे जितने भी हिंदू भाइयों की हत्या होगी आप विश्वास जीतते रहेंगे, हम ऐसे ही करते रहेंगे। आपने कहा कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग कानून को मानते कहा है, तो कहते हैं हमारे कुरान पहले। जी कानून मनवाया नहीं ना, देखो यूपी में कानून कैसे मान लेते हैं, दंगा हुआ, फोटो लगा, जेल गए, घर टूटा, कानून मान लिया। अब ये ऐसा करेंगे नहीं ना। और स्टेट में आप कर, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कोई बाहर से यहाँ आएगा कुछ पढ़ाएगा पहले वेरिफिकेशन होगी, मना दिया ना। कानून कानून मनाना पड़ता है, कानून मनाने की अथॉरिटी भी गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट अति विश्वास की तरफ जाएगी तो कैसे होगा भाई? ये समस्या है। ये नारा आया कहाँ से? नारा मुझे तो ये लगता है ये उपज पाकिस्तान की है, और तो शायद ये कहीं की है नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसे ही होता है। अभी परसों की मैंने एक खबर पढ़ी है, और इसका ना इसको यूज़ किया जाता है, जैसे आपका किसी से पर्सनल झगड़ा है, आप हिंदू हो दूसरा कुछ और है, तो वो जो दूसरा कुछ और है वो आएगा कहेगा कि इसने फला फला के नाम पे ऐसे गलत शब्द बोले सरतन से जुदा, और बस एक भीड़ आएगी और सरतन से जुदा के नारे लगाने लगेगी। जब तक ये होगा जब तक गवर्नमेंट डरेगी, अपनी रिट दिखाएगी नहीं, और गवर्नमेंट को उठना पड़ेगा, नहीं तो ये रोज़ रोज़ का कांड है। फिर ये एक दिन जाके बड़े उस पर फैलेगा, फिर उस कम्युनिटी में वैमनस्य होगा, उससे पहले गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा। ये जो कट्टरवाद है धर्म के प्रति, आखिर ये आया कहाँ? हाँ, असली बात अब आए हैं आप, धार्मिक कट्टरवाद आता कहाँ से? वो मूल से आता है जिस विचार के ऊपर आपका धर्म खड़ा है। ठीक, मैंने पहले भी आपको एक बात बहुत पहले बताया था, हम चलते एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग रूप से मानते हैं। मैं महादेव को मानता हूँ, मेरे पिताजी हनुमान जी को मानते हैं, माता श्री कृष्ण को मानती हैं, भाई किसी को नहीं मानते हूँ। सपोज दैट बहुत घर में होते हैं मैं नहीं मानता भगवान, तो हम उसे फांसी तो देते नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म का मूल ये है कि आप जो भारतीय हिंदू धर्म है उसका मूल ये है कि कर्तव्यनिष्ठ हैं हम, और जो दूसरी तरफ है वो है लिखा हुआ। कोई आया ऊपर से उसने बताया धरती चपटी है, सूरज धरती के चक्कर काटता है, इस मक्का मदीना की तरफ मुँह करके बोलना है। आप एक डैन मेडिसन नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने अपने जीवन के 35 साल अरब में इसी बात के अध्ययन पे दिए हैं कि मक्का क्या था। वो भी अपनी उस अध्ययन की वीडियो में ये कहता है कि एक काले पत्थर की पूजा मक्का में होती है। अच्छा, वहाँ किसी भी रूप का काला पत्थर उसकी पूजा जाए जा, और हम करें तो हम काफिर हैं। तो मूल ये है कि जब कोई धर्म कॉकटेल बन जाए उसका पॉलिटिक्स के साथ, तो जब वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनको तलवार के जोर पर वो लाना होता। अब हमारा धर्म कोई कॉकटेल तो है नहीं राजनीति प्लस धर्म का, जब ये राजनीति नहीं थी वो जब भी था, और जब ये नहीं होगी वो जब भी होगा। तो जो समयिक है, जिसका जन्म हुआ है, हम कहते हैं सनातन धर्म शास्त्र होते हैं, मतलब जब प्रकृति आई जब धर्म आए, जब से है और जब रहेगी जब तक रहेगा। लेकिन कोई 10 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, 1000 साल पहले आया है, उसका जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अभी मृत्यु से पहले जब वो तलवार के जोर पर लोगों को काट के, डरा के, मार के करना चाह रहे हैं, ये एक प्रवृत्ति है। आप डर के मानोगे ना किसी बात को, भय बिन प्रीत ना होए ना, तो भय है, ये भय है। हमारी बात मानो नहीं सरतन से जुदा। अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं कि हमारे मोहम्मद का अपमान किया, नारा शुरू हो जाता है गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा। हम भी कहते हैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन हिंदुओं के धर्म का अपमान आए दिन होता है, हिंदू तो नहीं कहता कि सरतन से जुदा? नहीं, तो प्रवृत्ति यही है ना। देखो आप समझ लो मूल को, भाई हमारा देश है, हम यहाँ एक ईंट का भी नुकसान देश का करेंगे तो जो हृदय से अपना देश मानता है उसका दुख वो दुखेगा, और जो मानता ही उम्मा को है, जिसके मन में राष्ट्र की कल्पना ही नहीं है, लोकतंत्र की कल्पना नहीं है, तो उसके लिए तो कल आग लगती हो, आज लग जाओ। आपके ध्यान होगा म्यांमार में कुछ झगड़ा हुआ, म्यांमार में बौद्धिस्टों का कुछ का झगड़ा हुआ, उसके लिए आंदोलन हुआ भारत में, आज़ाद मैदान में अमर जवान ज्योति लगी हुई है, उसको लात मार के तोड़ा जा रहा है, फोटो आपने देखे हैं। उसको नहीं लगा होगा लात मारने वाले को कि ये अपने जवान की है, क्यों नहीं लगा उसे? क्योंकि वो मानते नहीं है भाई। ये हमें ही बहम है कि हम सभी अपना DNA मानने के चक्कर में सच कहने से डर रहे हैं। जी अच्छा, पहले नूपुर शर्मा फिर टी राजा सिंह, असली मुद्दा क्या दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से नारा है रुकने का नाम नहीं लेता, जो असली एजेंडा है इसके पीछे वजह है, आपको नहीं लगता कुछ और वजह है? ये तो केवल एक बहाना हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। देखो
दबाव की राजनीति, लोकतंत्र में दबाव, भीड़ का दबाव चलता है और जो भीड़ जितनी ज़ोर से चिल्लाती है उसकी उतनी ज़ोर से सुनी जाती है। अभी हिंदू हैं, किसी के बच्चे को नौकरी चाहिए पहले, ठीक है, किसी को IIT में एडमिशन चाहिए, किसी को BA में चाहिए, किसी की फौज में नहीं लग रही, किसी की फोर्थ क्लास में नहीं लग रही, किसी की फर्स्ट क्लास में नहीं लग रही, तो आदमी सुबह से शाम तक सिर्फ उसको खाना खाना खाना, नौकरी 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 के पीछे। जो दूसरी बात है, उनको सब कुछ छोड़ के सबसे पहले ये बात है भाई, और कुछ सब बाद में देखा जाएगा, पहले किसी ने हमारे खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी। हाँ, हम सबके खिलाफ करेंगे, ठीक, हम सबके खिलाफ टिप्पणी करेंगे, हमारे खिलाफ कोई नहीं करेगा, ये है मैटर सर। तो उस बात को रोकने के लिए भीड़ तंत्र इकट्ठा करा जाता है, लोगों को डराया जाता है कि अगर तुमने फला बात पे क्वेश्चन किया तो तुम्हारा ये हाल होगा, चुप रखने के लिए। क्योंकि अगर आपने बोलना शुरू करा, बात करनी शुरू करी, अबे आप बताओ, मोहम्मद साहब को तो हिंदुओं ने नहीं, मोहम्मद साहब के जो नवासे थे हुसैन, हसन हुसैन, उनके गले तो हिंदुओं ने नहीं काटे ना, ना RSS था, ना बजरंग दल, ना BJP, ना समाजवादी, कोई सी पार्टी नहीं थी ना, हिंदू ही है ना ये सब, इन्होंने तो नहीं काटे, काटे किसने, काटने वाले भी यही, उन्हें मारने वाले भी यही, उनके हत्यारे भी यही, और सजा ये गलत कहते हैं हमें, लोगों को बम से ये फाड़ते, हेलीकॉप्टर से ये फाड़ते। आपके याद होगा ISIS वाले तो यजीदी महिलाओं को पिंजरे में बंद करके जिंदा जलाते थे और बैकग्राउंड में आयतें चलती थी। जब इन लोगों ने आज तक अगर एक फतवा डाला हो तो आप मुझे बताना, जो भाई देख रहे हैं जब ये वीडियो आए तो इस पर फतवा ज़रूर शेयर करना हमारे साथ, ठीक है जी, कि भाई कौन सा फतवा आज तक आतंकवाद के बारे में निकाला हो, हत्या के बारे में निकाला हो, जबरदस्ती सरतन से जुदा के ऊपर निकालो, नहीं निकालेंगे, एजेंडा ही नहीं है वो। जब भी कोई घटना होगी चार आएंगे, भाई बहुत गलत हुआ, हम समझाएंगे, कहेंगे वो नहीं है, वो पाखंड है, वो इनका पाखंड है। क्योंकि जब और बदनामी का दाग हमारे ऊपर लगता है कि हम कर रहे हैं, असली बात ये खुद ही तो बदनाम करने वाले हैं, ठीक, और खुद ही उसको चलाने वाले हैं। वो ऐसे जैसे नेता आ जाते हैं अपनी दुकान खोल कर कहते हैं कि BJP सब कुछ करा रही है, तो यार यमन में कौन सी BJP की शाखा चलती है? यमन में रोज होती विद्रोहियों का बमबारी हो रही है, निर्दोष लोग मर रहे हैं, वहाँ कौन सी BJP है? सीरिया में कौन सी BJP है? लीबिया में मतलब आप नाम लो और लिस्ट है एक बहुत लंबी, तो वहाँ ऐसा क्यों होता है? अब ये बात आप ओवैसी से पूछना अभी कभी आपको टकराए कि इन देशों में मुसलमान ही मुसलमान को मारने लग रहा, वहाँ तो किसी हिंदू का हाथ नहीं है या किसी बजरंग दल RSS का हाथ नहीं है, तो वहाँ ऐसा क्यों होता है? मूल है कि शांति से रहना चरित्र का पाठ नहीं है, दूसरे की समृद्धि चरित्र का पाठ नहीं है, कोई भी नॉन हमसे अलग समृद्ध हो जाए पाठ नहीं है, नेचर ही हिंसक है। हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ गुरु पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग, अष्टांग योग में सबसे पहले आता है यम, और यम का भी सबसे पहला पाठ है अहिंसा, और जब अहिंसा की बात होती है ये नहीं होती कि मैं लठ लेके किसी को मार रहा हूँ वो रोकनी है, मानसिक अहिंसा भी ना हो, मौखिक अहिंसा भी ना हो और शारीरिक अहिंसा भी ना हो, ऐसा कहीं सिखाया जाता है? हमको सिखाया जाता है ऐसा? अच्छा, आखिरी सवाल ये, आप कह रहे कानून बनेगा तभी ये नारा बंद होगा, लेकिन वो लोग तो सड़क पर आ जाते हैं और सरकार तो खुले हम देख रहे हैं कानून तो कोई बना ही नहीं रहा। नहीं तो आप एक देखो सरकार में ना बताना, एक भीड़ है चिल्लाई सरतन से जुदा, अभी एक भीड़ कल को आ जाए और वो कहे कि इसके खिलाफ या तो कानून बनाओ, और नहीं हम भी बैठे हैं फिर, तो फिर इलाज होगा। तो ऐसा है, जो अति उदार होते हिंदू वो भी एक नुकसान की तरफ हमें ले जा रहा है। तो जैसे राजा सिंह कह रहे थे एक्शन का रिएक्शन, क्या एक्शन का रिएक्शन होगा तभी कानून बनेगा? ऐसे ही होता है, आप देख लो, जब भी कोई कानून बना है, आप ये देख लो, ट्रिपल तलाक का जो कानून था वो बहुत पहले एक बार सायरा बानो के केस में आना था राजीव गांधी के टाइम, लोगों ने चेतावनी दे दी कि अगर आपने हमारे शरिया में कोई भी मुदालखत की, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस किया, तो अच्छा नहीं होगा। 400 सीट से भी ज़्यादा के साथ संसद में बैठी एक सरकार डर गई और हलफनामा दे के पीछे हट गई, और वो ही सरकार हिंदुओं के लिए कोड बिल बनाती है कि आप एक शादी करेंगे दूसरी करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, पहली से तलाक लेंगे धर्म परिवर्तन करेंगे फिर। तो असली बात है कि हम मांग नहीं रहे हैं, हम सरकार को पकड़ के ऐसा हिला नहीं रहे हैं कि कानून बनाओ ये सरतन से जुदा के नारे कल ही बंद हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, 50 लोगों को पकड़ के आप जेल में डालो, ऐसे नारे लगाने वाले को 2-4 मौलवियों को डालो, कल से ये ख़त्म हो जाएगा। कानून का डर इनको दिखाना पड़ेगा, और हम संविधान से चलने वाले, देश हमारा, धरती हमारी माता है, जब तक हम तो इसका कोई भी नुकसान किसी भी कीमत पे चाहते नहीं है, और जो इसे अपनी माता मानता है वो सरतन से जुदा का नारा इस देश में कभी लगाएगा नहीं। वो क्या होगा, किसी ने कुछ कहा है वो जाएगा थाने में FIR करेगा, कोर्ट में जाएगा, लेकिन वो सड़कों पे उतर के लोगों के गर्दन काटने के आह्वान नहीं करेगा, जिसकी परिणीति कन्हैया कुमार हो, किशन भरवाड़ हो, उमेश कोले हो। जी।